विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मामले में कांग्रेस की सियासी उठापटक तेज होने के आसार बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने अब आलाकमान के साथ होने की लाइन लेना शुरू कर दिया। ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना ने अब एक बार फिर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के सूत्रधार नेताओं को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। दिव्या मदेना ने ट्वीट कर सभी विधायकों के हाईकमान के साथ होने का दावा किया। दिव्या ने लिखा कि कई नहीं सब विधायक पलट गए हैं। कांग्रेस का हर विधायक आलाकमान के साथ है और रहेगा। हर विधायक की पहचान कांग्रेस पार्टी से है और पार्टी के सिंबल के बिना किसी का कोई वजूद नहीं है। दिव्या ने बागी तेवर अपनाने वाले विधायकों पर शायराना अंदाज में तंज कसा। दिव्या ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि एक मुद्दत से परेशान हूँ, कोई कागज नहीं, न कोई पहचान, सरकारी गिनती से मरहूम मेरी जान, सुनो मेरी रूह की पुकार, न मैं घर का हूँ और न हूँ घाट का। ये चीख है उसकी जिसने पार्टी से वफादारी न करके अवसरवाद को प्राथमिकता दी थी। दिव्या मदेना कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले गहलोत समर्थक नेताओं के खिलाफ शुरू से मुकर है। दिव्या ने 26 सितंबर से इन नेताओं को निशाने पर लेते हुए विधायक दल की बैठक के बहिष्कार को पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बताया था। दिव्या ने कहा था कि मैं न अशोक गहलोत खेमे में हूं और न सचिन पायलट खेमे में, मेरा अपना खेमा है, मैं हाईकमान के साथ हूँ। 25 सितम्बर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में कांग्रेस अनुशासन समिति ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया था। तीनों नेता नोटिस का जवाब दे चुके हैं। अब इन नेताओं के खिलाफ अनुशासन कमेटी को फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।